राजस्थान यूनिवर्सिटी 2022 के लिए जो एग्जाम्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब की जो एग्जाम है उसकी डेट लगभग आ चुकी है आपके पास। 5 मई से आपकी जो एग्जाम्स हैं, ये सभी एग्जाम लगभग 5 मई से शुरू होने वाली है। आपका 10-15 दिन में आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। ओके, तो 5 मई से एग्जाम से शुरू होने वाली है। और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा पता है आपको? ओनली आपको प्रश्न पत्र के 50% ही क्वेश्चनों को सोल्व करना है। यानी पेपर अगर आपका 34 नंबर का है, 34 नंबर का है, तो 17 नंबर के क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, 17 नंबर के आपको सोल्व करने हैं। इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब देखो, एक दिन में अगर दो पेपर लग रहे हैं आपके, तो दोनों पेपरों के बीच 10 मिनट का गैप देने की बात कर रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी। यानी एक दिन में आपके दो पेपर हैं, लगातार होंगे, तो बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा आपको। ओके, तो 5 मई से आपकी एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। दोनों पेपरों के बीच में 10 मिनट का गैप रहेगा। 50% पेपर आपको सोल्व करना है। अब मैं पेपर पैटर्न के बारे में एक चीज और बता देता हूँ आपको। जो आपका पेपर है, देखो उसमें तीन, देखो अगर आप बात करो जूलॉजी के पेपर, बीएससी के लिए जूलॉजी के पेपर की बात करें, तो उसमें तीन यूनिट आती है। तीन यूनिट, एक यूनिट में तीन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अगर क्या करें, इसमें अथवा वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है कि आप ये वाला करो और वाला मत करो। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन करो आप। ओके, समझ में आया? अथवा वाला क्वेश्चन कर लो या उस दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लो, तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस प्रकार। यानी जो यूनिट बाध्यता है, पहले एक पेपर में यूनिट बाध्यता रहती थी, वो यूनिट बाध्यता हटा दी गई है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, अगर केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में 5 यूनिट आएगी आपके पास। अगर बीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 यूनिट आएगी। 5 यूनिट में एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक वैसे आता है, एक अथवा में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर एक यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो वो अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। यानी आपको टोटल 2.5 यूनिट पढ़नी है। अगर आप 2.5 यूनिट पढ़ के जाते हैं पूरी, तो आपके 100% मार्क्स आने के चांस रहते हैं। तो कोरोना काल ने आपको दे दिया। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। 5 मई से ध्यान रखना, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। बीएससी, बीए, बीकॉम और जो ऑनर्स की एग्जाम्स हैं, वो भी 5 मई से ही शुरू होंगी। ओके गाइस, और पेपर पैटर्न पे एक लार्ज वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो पेपर पैटर्न के बारे में आएगा, कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट में से, कौन सी यूनिट सिंपल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कि बीएससी के लिए आप ये यूनिट कर लो, ये यूनिट सिंपल है, इसमें से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें से इतने हो जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।